हाईवे पर रात भर शव को रौंदते रहे वाहन। आगरा प्रमुख संवाददाता। आगरा दिल्ली हाईवे के सिकंदरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह सड़क पर क्षत विक्षत शव मिलने से लोगों के दिल दहल गए। 100 मीटर क्षेत्र में बिखरे लाश के टुकड़े, चकनाचूर हड्डियां देख लोगों की रूह कांप गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के टुकड़ों को बटोरा। आशंका जताई है कि रात में सड़क पार करते वक्त वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घने कोहरे के चलते कुछ भी नजर न आने पर रात भर शव के ऊपर से वाहन गुजरते रहे। कागजातों से शव की पहचान भिंड निवासी गौरव के रूप में हुई है। पुलिस कंट्रोल रूम में सुबह राहगीर मोंटी ने हाईवे पर हादसे की सूचना दी। बताया कि कीठम के पास टुकड़े टुकड़े शव बिखरा हुआ है। इंस्पेक्टर सिकंदरा आनंद साही फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शव की हालत देख पुलिस भी सन्न रह गई। भयंकर कोहरे में दृश्यता 10 मीटर भी न होने से मथुरा की तरफ से आने वाली गाड़ियां शव के ऊपर से गुजर रही थी। पुलिस ने तत्काल हाईवे पर ट्रैफिक रोककर शव के टुकड़ों को कपड़े में भरा। चिथड़े में बिखरे शव के कई टुकड़े हाईवे पर चिपक गए थे। हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। मृतक के कपड़े भी चीर चीर हो गए थे। तलाशने पर एक कपड़े में पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड मिला, जिनके आधार पर मृतक की पहचान गोविंद नगर भिंड मप निवासी 31 वर्षीय गौरव के रूप में हुई। ये तो संवेदनहीनता की हद है। एक युवक की सड़क हादसे में मौत हुई। शव सड़क पर पड़ा था। कई घंटे तक उसके ऊपर से वाहन गुजरते रहे, किसी ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। 112 नंबर पर भी किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी। इंस्पेक्टर सिकंदरा ने बताया कि आशंका है कि हादसा सुबह करीब 4 बजे के आसपास का रहा होगा। रात को पेट्रोलिंग टीम को हाईवे पर कोई शव नहीं दिखा था। पुलिस ने डीएल के जरिए परिजनों से संपर्क साधा, हादसे की सूचना दी। परिजनों ने बताया कि न्यू ईयर पर गौरव घूमने गया था।